अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। राम का टैटू निकालने पर बहस देखी जा रही है। बेलगाम में भी राम मंदिर को लेकर माहौल को गर्माने की कोशिश भाजपा की जानिब से की जा रही है, ऐसा इल्जाम तो लगाया जा रहा है और तस्वीर भी उसी तरह की नजर आ रही है। बेलगाम जुनूब के MLA इसी तहरीक का हिस्सा बताते हुए नौजवान लड़का लड़की के हाथों पर राम का टैटू निकालने की मुहिम पिछले 2-3 दिनों से जारी किए हुए। MLA अभय पाटिल ने 10,000 लोगों के हाथों पर टैटू निकालने का ऐलान भी किया है। बहरहाल जज्बाती माहौल बनाने की कोशिश जारी है। इसके लिए यानी टैटू बनाने के लिए 30 से 40 लड़का लड़कियां होंगी जो टैटू बनाएंगी। खवातीनों के लिए अलग भी इंतजाम किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। टैटू सेंटर हरि मंदिर के करीब बनाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। खैर, अब राम मंदिर को लेकर सियासी मुफाद भी हासिल करने के इल्जाम 12 लग रहे हैं। उधर राम मंदिर इफ्तिताह को लेकर साधु संतों में भी इख्तलाफ देखने को मिल रहा है। जो बड़े धर्म गुरु जी ने शंकराचार्य कहते हैं, चारों शंकराचार्य नाराज चल रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी नामुकम्मल मंदिर को महज चुनाव के नजदीक सियासी मुफाद हासिल करने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, और जो मर्तबा इज्जत शंकराचार्यों को मिलनी चाहिए मोदी योगी की जानिब से नहीं मिल रही है, ऐसा भी इनका इल्जाम है। और इस तरह से उन्होंने बयानात भी मुस्तकिल टीवी चैनलों को दिया हुआ है। कुल मिलाकर राम मंदिर की आड़ में चुनाव जीतने की तैयारी कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की जानिब से राम मंदिर इफ्तिताह में शिरकत नहीं की जाएगी, ऐसा बताया गया। कल कुछ कांग्रेस कारकुनान राम मंदिर के करीब कांग्रेस का परचम लहराने लगे तो उन्हें पीट आ गया, यानी कि कथित भक्तों की जानिब से उन्हें पीट दिया गया, क्योंकि इसका क्रेडिट तो सिर्फ भाजपा ही ले सकती है। इस तरह की बातें भी चल रही है। अब राम मंदिर भाजपा ही की मिल्कियत है क्या, इस तरह की भी बहस देखी जा रही है। खैर, शायद कर्नाटक में और ज्यादा हिंदुत्व की नशो इशाद की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है। खैर, बेलगाम में भी अब राम मंदिर को लेकर सियासी सरगर्मियां जारी हुई है। साबिक MLA अनिल बेन के भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहते। अब इन्होंने भी राम मंदिर को लेकर ऐलान किया है कि पूरे शहर को भगवा बनाया जाएगा, और ये कहते हुए उन्होंने 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर की इफ्तिताह का लम्हा हासिल हुआ है, ऐसा भी कहा। लेकिन शायद तारीख के हकाइक से भाजपा के कुछ लोग वाकिफ नहीं है, ऐसा महसूस होता, क्योंकि 1925 में RSS बनी जो आज राम मंदिर में पेश होने का दावा करती है। उसी तरह 1951 में जनसंघ, 1964 में BHP और फिर 1984 में भाजपा बनी। तब तक तो इनके पास किसी राम मंदिर को लेकर कहीं कुछ बयानात देखने सुनने को नहीं मिले। यह मुख्तसर तबसरा इसलिए क्योंकि 500 साल की दुआई जिस भाजपा की जानिब से दी जा रही है, दरअसल 1990 तक कहीं पर भी राम मंदिर का जिक्र इन्होंने नहीं किया, जबकि राम मंदिर को लेकर मुकामी अयोध्या ने फैजाबाद के लोग मुकदमे वगैरह कर रहे थे। जब VP सिंह की हुकूमत आई और मंडल कमीशन को लेकर मुल्क भर में सवर्णों की जानिब से एहतजाज किया गया, VP सिंह बहुजन समाज के नायक बनना चाहते थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और कम्युनिस्टों और BJP के समर्थन से VP सिंह वजीर आजम बने। खैर, यही वो दौर रहा जब पहले मरतबा राम मंदिर को RSS भाजपा ने अपने एजेंडे पर लाया, क्योंकि सियासी वजूद बचाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं रहा। खैर, आज भाजपा का हर लीडर 500 साल की जद्दोजहद का दावा करता रहता है, जबकि 1990 के आसपास ही इसको मंजर आम पर लाया गया। अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मरकज में यानी कि सेंटर में फिर से भाजपा आ सकती है, बताया जा रहा है। जाहिर है इसकी तैयारियां भी बेलगाम शहर में देखने को मिल रही है। अनिल बेनके हो या भाजपा के दिगर और भी कुछ कायद बेलगाम शहर में है, क्योंकि बेलगाम में भी भाजपा का अच्छी खासी तादाद है, पूरे जोश के साथ मंदिरों की साफ सफाई में लगे हुए। यही मौका तो है अपनी सियासत को चमकाने का, लिहाजा कांग्रेस इस पर तंज भी करते देखने को मिल रहा है। बेलगाम में मराठी वोट कुछ हद तक बिखरे भी नजर आते हैं। अभय पाटिल ने 10,000 नौजवान लड़का लड़की के हाथों पर टैटू निकालने का फैसला सुनाते हुए कहा कि 3,000 नौजवानों ने अब तक अपना नाम दर्ज भी किया हुआ है, लिहाजा 10,000 नौजवानों के हाथों पर टैटू को नक्श किया जाएगा, ऐसा बताया गया। साथ में 80,000 के करीब लड्डू वगैरह यानी कि मिठाइयां बांटने का भी ऐलान इस वक्त किया गया। लिहाजा महाराष्ट्र की करण समिति ने इस मुहिम की मुखालफत करते हुए इस तरह राम मंदिर की इफ्तिताह के मौके पर टैटू न निकालने का ऐलान किया। MES के रमाकांत कुंडुस्कर ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि जुनूब के भाजपा के लीडर ने नौजवानों के हाथों पर जो टैटू निकालने का ऐलान किया है, इसे न निकाले, क्योंकि आगे आपको नौकरियों के लिए आपके दाखिले को रद्द किया जा सकता है। हो सकता है कि आप पढ़ लिख कर काबिल भी बन जाए, लेकिन किसी तरह का टैटू निकालने से दाखिला नहीं दिया जा सकता, खासकर नेवी फौज पुलिस में दाखिला महज टैटू की वजह से रद्द किया जा सकता है। खैर, जो भी हो, लेकिन ये सच भी है कि जिस्म पर किसी तरह का टैटू होने से फौज नेवी में दाखिला नहीं हो सकती, ऐसा बताया भी जा रहा है। लिहाजा इस तरह का कोई सियासी ऐलान कर रहा है तो बराए मेहरबानी इसका हिस्सा न बने, ऐसा भी
इस वक्त कहा गया। इतना तो जरूर है कि बेरोजगारी महंगाई इंतहा पर पहुंच चुकी है, खुद नौकरी देने से तो रहेगा, लेकिन जो अपनी काबिलियत के जरिए भी नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो वहां भी इस तरह रुकावट का सबब कुछ भाजपा नेता बन रहे हैं, ऐसी चर्चा जारी है। भाजपा किसी तरह राम मंदिर का माहौल जो भारत में बनाया गया है इसका मुफाद हासिल करने के चक्कर में है, तभी तो आधा अधूरा मंदिर चुनाव से पहले इफ्तिताह के इजलास को रखा गया। 22 तारीख भी कुछ साधु संतों ने ठीक नहीं ऐसा कहा है, लिहाजा इतना तो जरूर है कि दक्षिण के एमएलए के टैटू की तहरीक की मुखालफत भी बड़े पैमाने पर हो रही है, इतना जरूर है। सर्वांना नमस्कार। गेले 2 दिवस एक मेसेज व्हाट्सअप आणि फेसबुकच्या माध्यमातून मिळत आहे, प्रभू श्री रामचंद्रांचं मंदिर ओपनिंग या संदर्भात दक्षिण भागामध्ये त्या ठिकाणी एक मेसेज फिरतोय की 17 वर्षावरील युवक असतील, युवती असतील, विद्यार्थी असतील, विद्यार्थिनी असतील, या सर्वांसाठी श्री प्रभू रामचंद्रांचा चित्राचा टॅटू फ्रीमध्ये काढण्याचा त्या ठिकाणी एक कार्यक्रम ठेवलेला आहे। मी सर्व माझ्या पालक मंडळींना आणि विद्यार्थिनींना 17 वर्षावरील विद्यार्थी विद्यार्थिनींना सर्वांना एक विनंती करू इच्छितो, जर तुम्ही जर टॅटू जर हातावरती काढून घ्याल तर तुम्हाला कोणत्याही गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेसमध्ये तुम्हाला त्रास होईल, मग आर्मी असेल, नेव्ही असेल, एअरफोर्स असेल, बीएसएफ असेल, सीआरपीएफ असेल, रेल्वे पोलीस असेल, सीआयएसएफ असेल, त्यानंतर आयटीबीपी असेल, तर ह्या सर्व नोकऱ्या करत असताना किंवा नोकरीवरती भरती होत असताना तुम्हाला तुम्ही अभ्यासामध्ये खास व्हाल किंवा फिजिकली तुम्ही पास व्हाल, परंतु तुम्हाला मेडिकलमध्ये तुम्हाला रिजेक्ट केलं जाईल आणि तुमचं भविष्य या ठिकाणी कुठेतरी बर्बाद होईल। वैसे बेलगाम में कन्नड़ मराठी तनाजा देखने को मिलता है, बेलगाम सरहदी मामला फिर से मंजरे आम पर आ रहा है, वैसे भी कन्नड़ मराठी बोर्डों को लेकर भी तहरीक देखी गई। महाराष्ट्र की जानिब से हाल ही में सरहदी इलाकों में रहने वाले आवाम के खातिर मरीजों के इलाज की इमदाद स्कीम जारी की गई थी, जिसकी मुखालफत कर्नाटक हुकूमत की जानिब से करते हुए कुछ जगहों पर इसके सेंटर्स भी शुरू किए गए थे जिसे बंद कर दिया गया। केले और अरिहंत हॉस्पिटल में शुरू भी किए गए थे लेकिन महज महाराष्ट्र की योजना कहते हुए इसे बंद कर दिया गया, पर अब ऑनलाइन मेडिकल स्कीम जारी रहेगी ऐसा बताया गया। बेलगाम शहर गली मोहल्ले में जो चाहे अंग्रेज स्कूलों को शुरू कर रहा है, लिहाजा गैर कानूनी तौर पर जारी स्कूलों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इशारा तालीमी महकमा की जानिब से दिया गया। तकरीबन स्कूल अंग्रेजी मीडियम के बताए जा रहे हैं। इस साल बारिश कम मिकदार में बरसने से पीने के पानी की किल्लत हो सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। इत्मीनान बख्श बारिश न होने की वजह से फिजूल पानी जाया करने से बचे और पानी को बचाने का मशवरा एलएनटी की जानिब से दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे पानी की पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। पानी की किल्लत का मुकाबला करने के लिए पुराने कुएं और बंद बोरवेल को फिर से शुरू करने का काम जल्द अमल में लाया जाएगा, ऐसा भी इस वक्त बताया। अलामीन कॉलेज अटोनगर में तीसरा सालाना इजलास बड़े पैमाने पर परवाज के नाम से मनाया गया। इजलास की शुरुआत कुरान मजीद से की गई, फिर नाते पाक का नजराना पेश किया गया। इस्तकबालिया कलमात सुमैया फिरदौस, तकरीर प्रिंसिपल सैफुल्ला बड़ेघर और चेयरमैन तनवीर नाइकवाड़ी, तासुरात जनाब डॉक्टर अशफाक जमादार, वोट ऑफ थैंक्स लेक्चरर सुवर्ण तोलनूर,
और निजामत के फराइज सौले और सौकार और हिबा नाडवाले ने अंजाम दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।